हेलो दोस्तों, वेलकम टू द तायल कोचिंग क्लासेस। जैसे कि हम जो सीबीएसई 10 की एसएसटी की जो सीरीज देख रहे हैं, उसमें हमने पहले भी जो बहुत सारे लेक्चर दिए, जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, देन 10 3 मार्क्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू के क्वेश्चंस, देन जो असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यू होती है उसके क्वेश्चंस, देन कंटेंट बेस्ड, देन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ऐसे सभी सब्जेक्ट के हमने देखे। पिछले कुछ वीडियो में हमने असर्शन बेस दिए थे, ये हम डिफरेंशिएट क्वेश्चन जैसे कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं जो 3 मार्क्स के लिए आते हैं। उसमें सिविक्स का जो पार्ट सेकंड है पॉलिटिकल पार्टीज पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा था पावर शेयरिंग के ऊपर, जो फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है सिविक्स का। लेकिन ये जो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसमें हम जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि ये क्वेश्चन सीरीज आपको जरूर काम में आएगी, क्योंकि इसमें ऐसा है जो मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट थे इन्हों का इन लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि सर जो आपने ये बताया था ऐसे अगर लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे आते हैं। जैसे कि हम थियोरेटिकली पैराग्राफ वाइज लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको नॉर्मली अगर आपको एग्जैक्ट आपको पता है, पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसका डेफिनेटली आपको फायदा होगा। 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए कभी कभी आते हो, लेकिन ज़्यादातर 3 मार्क्स के लिए आते हो। तो मेरे जो पिछले बैच के स्टूडेंट हैं उनको अबव 85 सभी को मार्क्स आए ऑलमोस्ट। तो आई थिंक ये आपको भी होपफुली आपको भी काम आ जाएगा। तो उसमें वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम। तो इसका पहला पॉइंट है कंट्रीज वेयर ओनली वन पार्टी अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। अब किसी की पार्टी मतलब जो पक्ष है, कुछ कुछ कंट्री में जो एक ही पार्टी होती है और वही पार्टी क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वही रिलेक्ट होती है, हर बार वही आती वो देखती। तो इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या है, कंट्रीज वेयर ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट और दी वन पार्टी सिस्टम। जो टू पार्टी सिस्टम होती है तो उसमें क्या है, कंट्रीज वेयर ओनली टू मेन पार्टी कंट्रीज इलेक्शन आर फॉर दी टू पार्टी सिस्टम। जिस कंट्री में दो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है उसको टू पार्टी सिस्टम, टू पक्ष पद्धति द्विपक्ष पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें सेकंड पॉइंट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इन द चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। हम देखते हैं, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम ही है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वही गवर्नमेंट चलाती है और उसके रिस्ट्रिक्शन भी होती है और वही हर बार इलेक्शन जीतती है। तो वहां फ्रीडम का और बाकी सब चीजों का लिमिटेशन है। सो इसमें टू पार्टी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम्स आर द एग्जांपल ऑफ द टू पार्टी सिस्टम। जो ब्रिटेन और जो यूएसए, वहां टू पार्टी सिस्टम होती है, तो वहां उस टाइप का गवर्नमेंट फॉर्म होता है, दो ही पार्टी होती है, उसको ऑप्शन नहीं होता। एक बार ये पार्टी आ जाएगी तो अगली बार वो पार्टी आ जाएगी, वहां भी ज्यादा ऑप्शन नहीं होती, लेकिन बेटर देन दी वन पार्टी सिस्टम होती है। इसका थर्ड एग्जांपल है नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, यहाँ डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं दिया होता है। अगर आपको वोटिंग भी करनी है तो एक ही पार्टी है और उसके ही कैंडिडेट है, आपको वहां चॉइस नहीं दी जाती, तो आपको अल्टीमेटली एक ही पार्टी को वोट करना पड़ता है, नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। टू पार्टी सिस्टम में जैसे कि इट इज अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, यहाँ कुछ बेस पर डेमोक्रेटिक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ दो पार्टी होती है। अगर एक पार्टी पिछली बार अगर जो उसको एक वर्ड है अगर वो उस पार्टी सत्ता में रहती है, अगर उन्होंने काम नहीं किया एंटी इनकम्बेंसी, तो लोग उनको इलेक्शन में इलेक्ट नहीं करवाते, इसको एंटी इनक्यूम्बेंसी बोलते हैं। तो ये यहाँ हो सकता है, इट इज अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ये मल्टी पार्टी सिस्टम में भी जैसे कि इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है
इस एक्सप्लेनेशन से ए मतलब समझ में आ जाता है कि अगर इस ये आपको मतलब बहुत अच्छी तरह से कैसे एक्सप्लेन किया होता है या आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो उसको डायरेक्टली पॉइंट भाएंगे, मतलब मन को भाएंगे कि यस बंदे ने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, पॉइंट वाइज भी लिखा है, तो उसको मतलब ऐसे डिटेक्ट करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको इजीली यह मार्क्स दे सकता है। लेकिन इसमें भी अगर ये आपका मतलब खुद का मतलब डिसीजन है आपको कैसे लिखना है, लेकिन ये अच्छा फॉर्म है तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर ये आपको मतलब आपको काम में आता है ये लेक्चर या ये क्वेश्चन या इस टाइप का एक्सप्लेनेशन, तो आप जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो, आपके जो भी इतर मतलब अदर दोस्त हैं इसको आप शेयर कर सकते हो, इनको भी इसी बेस पर इनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।